जिला कांगड़ा के दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान जोनल अस्पताल धर्मशाला में अब डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित कर दी गई है। लगभग 24 वर्ष पुरानी एक्सरे मशीन के स्थान पर 9 लाख रुपए की लागत से नई मशीन स्थापित की गई है। क्षेत्रीय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि नई डिजिटल एक्सरे मशीन धर्मशाला में स्थापित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अल्ट्रासाउंड की भी डिजिटल मशीन स्थापित की जाएगी। देखिए, यहाँ पर जो एक्सरे मशीन थी वो लगभग 24-25 वर्ष पहले स्थापित की गई थी और गत कुछ समय से उस मशीन में लगातार ब्रेकडाउन की समस्या आ रही थी और बार बार रिपेयर करने के बाद पिछली मशीन के कंपनी ने भी ये लिख के दे दिया था कि उसके पार्ट्स हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इसके मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर एक 500 MA की नई एक्सरे मशीन, पिछली मशीन जो थी वो 300 MA की थी, ये उससे बड़ी मशीन है, 500 MA की मशीन को स्थापित किया गया है जो आज से सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इसको जो है वो डिजिटल फैसिलिटी के साथ जोड़ा गया है। तो डिजिटल एक्सरे जो है एज़ पर सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार और फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव में मुफ्त एक्सरे की सुविधा जो है वो प्रदान की जा रही है। इस मशीन पे जो अभी हमारी लागत है 9 लाख रुपए के आसपास आई है और 4 साल तक के लिए इसकी वारंटी जो है कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि अब लोगों को, मरीज़ों को जो यहाँ पर पुरानी मशीन होने की वजह से, बार बार मशीन के ख़राब होने की वजह से कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा और बेहतर क्वालिटी एक्सरे जो हैं मरीज़ और डॉक्टरों की सुविधा के लिए हम प्रदान कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे नया अल्ट्रासाउंड है, कुछ लेबोरेटरी में मशीनें नई अभी स्थापित की जाएंगी। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजित निप्पी की रिपोर्ट।